दोस्तों टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा एशिया कप से भाग हैं और वो T20 वर्ल्ड कप भी शायद नहीं खेल पाएंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि उनके दाएं घुटने में चोट लग गई है, ACL का टियर हो गया है, जिसकी वजह से उनको मेजर सर्जरी लगेगी। ये क्या होता है ACL और इससे आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, इसको जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर रचित गुलाटी है, मैं मेडिकल डायरेक्टर हूँ साउल ऑर्थो केयर का। दोस्तों रविंद्र जडेजा टीम इंडिया के एक बेहतरीन ऑलराउंडर हैं, बॉलिंग ऑलराउंडर है, लेफ्ट आर्म बॉलिंग भी करते हैं और बैटिंग भी करते हैं और बहुत अच्छे फील्डर भी हैं। उनके दाएं घुटने में चोट लग जाने की वजह से उनको एशिया कप से बाहर कर दिया गया है और ऐसा माना जा रहा है कि अक्टूबर नवंबर में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में भी वो नहीं खेल पाएंगे क्योंकि उनको एक मेजर सर्जरी करानी पड़ेगी। दाएं घुटने में दोस्तों एक ACL टियर की वजह से ऐसा हुआ है। आज हम जानते हैं कि ACL टियर क्या होता है। दोस्तों अगर हम अपने घुटने की तरफ देखें तो ये दो हड्डियों से बनता है, एक थाई की हड्डी होती है फीमर और एक लेग की हड्डी होती है टीबिया। उन दोनों के बीच में उनको स्टेबलाइज करने के लिए कुछ लिगामेंट्स हमारे घुटने में मौजूद होते हैं। उसमें एक ACL लिगामेंट होता है जो कि फीमर और टीबिया को कनेक्ट करता है। उस ACL का मेन रोल होता है कि इस टीबिया को सामने की तरफ आने से या टीबियल ट्रांसलेशन होने से वो रोकता है, जिससे हमारा घुटना स्थिर रहता है, जिससे हमारा घुटना स्टेबल रहता है। दूसरा रोल जो ACL का होता है कि वो रोटेशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। जब हम एक टांग के ऊपर हॉप करते हैं, जंप करते हैं, एक टांग को सामने रखते हैं तो हमारा घुटना सामने की तरफ रहे और वो लचक ना जाए, मुड़ ना जाए, रोटेट ना हो जाए, उस स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए ACL होता है। दोस्तों ACL की अगर हम बात करें तो उसमें तीन टाइप की इंजरीज हो सकती हैं। ग्रेड 1 जो होता है वो एक ACL का स्प्रेन होता है, यानी ACL जो एक रेशो से बना होता है, कोलेजन के रेशे होते हैं, वो रेशे इंटैक्ट होते हैं परंतु वो रेशे थोड़े से खिंच गए हैं, वो ग्रेड 1 इंजरी होता है। ग्रेड 2 इंजरीज की अगर बात करें तो उसमें होता है पार्शियल टियर, यानी कुछ रेशे सेपरेट हो चुके हैं और कुछ रेशे अभी भी जुड़े हुए हैं। और ग्रेड 3 टियर जो होता है वो होता है कंप्लीट टियर, जिसमें सारे के सारे रेशे आपस में सेपरेट हो चुके हैं। तो दोस्तों ग्रेड 1 इंजरी और ग्रेड 2 इंजरी टोटली नॉन सर्जिकल केसेस होते हैं, इनके अंदर सर्जरी कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा के इंजेक्शंस होते हैं जो घुटने के अंदर लगा सकते हैं और उसके बाद एक प्रॉपर रिहैबिलिटेशन के साथ, प्रॉपर एक्सरसाइज के साथ, प्रॉपर ब्रेसेस पहन के हम धीरे धीरे रिटर्न टू स्पोर्ट्स कर सकते हैं और उसमें ऑपरेशन कराने की कोई दरकार नहीं है। परंतु ग्रेड 3 टियर यानी अगर कंप्लीट टियर आपके अंदर हो जाए तो उसमें ज्यादातर केसेस के अंदर आपको ACL रिकंस्ट्रक्शन करानी पड़ती है। ओनली इफ अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हैं या आप एक एथलीट हैं या आप एक यंग इंडिविजुअल हैं जिनका चलने फिरने का, भागने कूदने का काम बहुत ज्यादा है। पर यदि आपकी उम्र 60-70 साल से ज्यादा है और आपके MRI में ACL टियर भी आ रहा है तो घुटने के घिसारे यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस के साथ अक्सर ACL घिस जाने की वजह से उसमें टियर आ जाते हैं। तो आप क्वाड्रिसेप्स मसल को अपनी स्ट्रॉन्ग करके, प्रॉपर जूते पहन के, वेट कम करके, प्रॉपर एक्सरसाइज करके, होलिस्टिक मैनेजमेंट लेके ACL टियर होने के बावजूद यानी ACL डेफिशिएंट नी के साथ भी अपने रोजमर्रा के कार्य कर सकते हैं, क्योंकि आपको जरूरत से ज्यादा कार्य हम एक्सपेक्ट करते हैं 60-70 साल की उम्र के बाद नहीं करने होते, कोई स्पोर्ट्स नहीं खेलना होता। परंतु यदि आप एक प्रोफेशनल प्लेयर हैं, आपको स्पोर्ट्स खेलने हैं या आप एक यंग इंडिविजुअल हैं तो कंप्लीट टियर हो गया तो उसमें आप ACL कंस्ट्रक्शन के लिए जा सकते हैं। परंतु ACL रिकंस्ट्रक्शन के बाद एक्सरसाइजेस करना बहुत जरूरी है, वेट कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, प्रॉपर डाइट लेना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों यदि आपको कोई ACL टियर हो गया है तो इसके लिए कुछ बचाव भी आपको लेने पड़ेंगे ACL टियर से बचने के लिए। पहली चीज होती है कि यदि आप एक स्पोर्ट्स पर्सन है, आप गिर रहे हैं या आप एक लैंडिंग कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए वो लैंडिंग जो हो आपके पंजे पे हो, एड़ी पे ना हो। अगर वो एड़ी के ऊपर लैंडिंग होगी तो ACL इंजरी के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि रविंद्र जडेजा एक लेफ्ट आर्म के बॉलर हैं तो उनकी लैंडिंग अक्सर उनके दाएं पांव पे होती है और वो प्रोबेबली
पूरी एडी के ऊपर होती है, इसीलिए प्रेशर की वजह से ACL की इंजरी उनकी हो गई। दूसरी चीज आती है, आपको प्रॉपर वार्म अप करना बहुत जरूरी है आपकी स्पोर्टिंग एक्टिविटीज से पहले। प्रॉपरली हाइड्रेटेड रहना बहुत जरूरी है, प्रोटीन वाली डाइट लेना बहुत जरूरी है ताकि आपकी ACL इंटैक्ट रहे। तो ये सब करने से आप अपनी ACL की इंजरी से आपको बचा सकते हैं। दोस्तों नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट भी ACL में होती है, तो यदि आपको ग्रेड 1 या ग्रेड 2 इंजरी है तो आप साउल ऑर्थो केयर के पेन मैनेजमेंट सेंटर पे अवश्य विजिट करें, वहां पे आपको होलिस्टिक नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट मिलेगा ACL इंजरी का। और यदि आपका ग्रेड 3 टियर है और आप सर्जरी करा चुके हैं तो पोस्ट ACL सर्जरी रिहैब के लिए भी आप हमारे सेंटर जरूर आइए, वो बहुत जरूरी है पोस्ट ACL सर्जरी रिहैब कराना भी। दोस्तों ऐसी बहुत सारी जानकारी भरी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, और यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। थैंक यू।